these three laws. So thank you very much. Sri Jugal Kushar Sharma ji. धन्यवाद महोदय. महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और विशेष तौर पर अपनी पार्टी का भी, कि जिन्होंने आज ऐतिहासिक विधायकों पर ये जो चर्चा हो रही है उसमें मुझे बोलने का मौका जो दिया. महोदय, मैं गृहमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय न्याय संहिता 2023 जैसे विधेयक जो हैं वो चर्चा में लाए और इन विधेयकों से अनेक परिवर्तन जो हैं वो आने वाले हैं. महोदय, जहां पर पहले भी बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो प्रावधान थे अब वो बदले जाएंगे. महोदय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अपराध, देशद्रोह, धोखाधड़ी, ऐसे केसों में तेजी से फैसले जो है वो आएंगे. पहले पुराने कानूनों के बजाय नए कानून जो हैं वो लाए जा रहे हैं, जिसका के देश भर के नागरिकों को जो है वो लाभ पहुंचने वाला है. महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 1500 से ज्यादा कानूनों को हटाया है जिनकी जरूरत ही नहीं थी, और बहुत सारे नए कानून जो हैं वो बनाए गए जिनकी के जरूरत है और आज के मुताबिक उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी. महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को न्याय दिया और अब इन बिलों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को भी जो न्याय में देरी होती थी उस न्याय प्रक्रिया में राहत मिलेगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी. महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भाई एफआईआर प्रक्रिया में भी राहत जो है वो मिलेगी, नहीं तो हम सब जानते हैं कि भाई एफआईआर दर्ज करवाने में भी कितनी परेशानियों का सामना जो है वो नागरिकों को करना पड़ता था, और हमने देखा है कि कई कई बार कई कई दिन थाने के चक्कर काटते रहो, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी. अब वो प्रक्रिया भी जो है वो सरल बना दी गई है. महोदय, जम्मू कश्मीर में भी पुराने कानूनों की वजह से कई परेशानियों का सामना जो था वो नागरिकों को करना पड़ता था, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A को भी हटाया गया, और हम सब जानते हैं कि धारा 370 की वजह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलता रहा और आतंकवादियों को संरक्षण भी मिलता रहा, यहां तक कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी जो हैं वो आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात भी जो है वो करते रहे, और 35A जिसे के हटा दिया गया है उससे भी कितना भेदभाव जो था वो महिलाओं के साथ होता था, अब महिलाओं को इन विधेयकों के माध्यम से और भी मान सम्मान जो है वो मिलने वाला है. महोदय, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों की कमी नहीं थी और अब उन पर लगाम लगाई गई है और कार्रवाइयां भी की जा रही हैं. पहले तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसके मन में आया उसे के अंगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज कर दी गई, और जिस गरीब की एफआईआर दर्ज करनी थी उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी. लेकिन महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब गरीब और असहाय लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और उनके साथ भी न्याय होगा. महोदय, ये संबंधित ये कानून नागरिकों को सुरक्षा देने हेतु है, इनमें बहुत सारे सुधार जो हैं वो किए गए हैं. अब न्याय में तेजी और इंसाफ मिलेगा, सामाजिक समरसता बनी रहेगी और ऑडियो वीडियो का भी उपजोग जो है उपयोग होगा. महोदय, बलात्कार पर रिपोर्ट जल्दी मिले इसके भी प्रावधान जो हैं यहाँ पर किए गए हैं. पीड़ित को बड़ी परेशानियों का सामना जो था वो करना पड़ता था और अब पीड़ित तंग नहीं होंगे, उन्हें भी जल्दी जो है वो न्याय मिलेगा. महोदय, इस बिल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी आधार बनाया जा रहा है, और वो जो रिपोर्ट्स, वो जो टेस्ट ऐसे होते थे जिन्हें 6-6 महीने कई कई साल लग जाते थे, अब उनमें भी तेजी लाई जाएगी और न्याय भी तेजी से मिलेगा. महोदय, अब निर्णय प्रक्रिया में देरी नहीं होगी और 30 दिनों के अंदर जो निर्णय लिया गया है उसे सार्वजनिक जो है वो करना होगा. मोबाइल और चैन छीनना
जैसे अपराधों पर भी अब जो है वो अंकुश लगेगा, उन पर एफआईआर दर्ज होगी, ये भी एक अपराध माना जाएगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे केस लंबित हैं जिससे लोगों को एवं समाज को परेशानियों का सामना जो था वो करना पड़ता था, लेकिन अब ये जो कानून जिन पर आज चर्चा हो रही है, जो गृह मंत्री जी ने यहाँ पर लाए हैं, देश के नागरिकों को बहुत बड़ी राहत जो है वो इन कानूनों के माध्यम से जो मिलने वाली है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब केस के निपटारे भी जल्दी होंगे और न्याय प्रक्रिया भी तेज गति के साथ आगे बढ़ेगी। महोदय, जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो मिला वो कमजोर कानूनों की वजह से भी मिलता रहा है ऐसा माना जाता है, लेकिन अब अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी करने वालों पर भी और राजद्रोह की बातें करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर ही अंकुश जो है वो लगेगा, उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस बिल के माध्यम से ये सारे प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। महोदय, जैसे कि जहां कहा गया है इस बिल में कि समन जो प्रक्रिया है उसे आसान बनाने के लिए भी यहां पर प्रावधान जो है वो रखे गए हैं, और पहले क्या होता था कि पुलिस को समन देने के लिए कई कई दिन लग जाते थे और फिर डाक द्वारा भी भेजे जाते थे, लेकिन अब ये जो नई व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पर मोबाइल और ईमेल और बाकी जो प्रावधान जो हैं वो रखे गए हैं, और इससे बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। पहले कोई भी उठकर कोर्ट में जाता और केस रजिस्टर करवा जाता था, लेकिन अब इस बिल के माध्यम से जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाना होगा और रजिस्टर होगा उसे भी बुलाकर उसे भी सुना जाएगा। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ जो है वो मिलेगा, जिससे केसों में निपटारा जल्दी होगा, जो सालों साल पेंडिंग रहते थे इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी होगी और प्रक्रिया भी जल्दी होगी। महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मिलावट करने वालों पर भी सख्ती से जहां पर कानून जो है वो बनाए गए हैं, और पहले मिलावट चाहे खाने वाली वस्तुएं हो चाहे दवाइयों की हो उस पर भी अंकुश लगते थे, लगाने का प्रक्रिया जो है वो जहां पर प्रावधान जो है रखे गए। महोदय, मैं एक दो बात कहकर अपना कथन समाप्त करूंगा। जहां बड़े ऐसे केस देखे गए हैं कि लोगों या माता बहनों को या कमजोर और सीधे साधे लोगों को जानसा देकर विवाह रोजगार पदोन्नति झूठा वादा करके अपनी पहचान छुपाकर आदि के बाद जौन संबंध बनाने को नया अपराध जो है वो बनाया गया है, और इससे दंड जो है वो लोगों को मिलेगा, एक डर पैदा जो होगा। महोदय, पहले भी ऐसा देखा गया है कि कभी कोई एक्सीडेंट जो जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो जाता है और एक व्यक्ति मर जाता है, दूसरा ठीक रहता है लेकिन वो भाग जाता है, ना पुलिस को इतला देता है ना ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है, इसे भी बहुत बड़ा अपराध मानकर उस पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अंत में महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल सबको राहत देने वाले बिल हैं, माता बहने बच्चों नौजवान बीमार दिव्यांग और गांव गरीब किसान के हित में है। विपक्ष ने कभी भी देश हित में कोई काम नहीं किया, इसीलिए वो इन बिलों का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। महोदय, मैं गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए इन विधेयकों का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। चंद्रानी मुर्मू।